क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो लेकिन कोई आपके पास ना हो? जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप चाहते हो कोई ऐसा जो ख़ास हो, आपके पास बैठे, दो बातें करे आपसे और आपके सर पे हाथ फेरे और सारी टेंशन छूमंतर हो जाए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो सबके लिए करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबकी ज़रूरत पे उनके पास होते हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं होता? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिनकी ज़रूरत पे हम उनके साथ होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका दुख बांटते हैं, वही लोग ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास नहीं होते। जब हमें उनका टाइम चाहिए होता है तो वो हमें टाइम नहीं दे पाते। हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है वो चाह के भी आपको टाइम ना दे पा रहे हैं, लेकिन टाइम देना, टाइम निकालना अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर हमें किसी के लिए टाइम निकालना है ना, तो हम कैसे भी करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें टाइम निकालना ही नहीं है तो हम कितने भी फ्री क्यों ना हो, हम उसको यही दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम जिस टाइम आपके पास कोई नहीं है, आप तो हैं, उस टाइम आप अपने आप को पहचानिए और अपने अंदर की उस हिम्मत को बाहर लाइए जो सबकी कमी पूरी कर सके, एक ऐसी खुशी जो सारे दुख को ख़त्म कर सके, इतना कॉन्फिडेंस जो आपके सारे टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर समय हमारे साथ कोई हो, ये हो सकता है ऐसी कंडीशंस हो जहाँ पर कोई ना हो हमारे साथ। सामना तो हमें फिर अकेले ही करना पड़ेगा ना। सबके लिए करिए, सबकी केयर कीजिए, सबकी खुशियों का ध्यान रखिए, लेकिन कभी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी ज़रूरत पे आपके साथ कोई खड़ा होगा, आपकी कोई केयर करेगा, आपको कोई प्यार देगा, आपकी खुशियों को कोई ढूंढेगा। ढूंढनी आपको ही है। सबकी हिम्मत बनिए लेकिन अपनी हिम्मत कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि वो आपकी हिम्मत और आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको ज़िंदगी के हर मुकाम से लड़ने में आपकी मदद करेगा और आपको आगे ले जाएगा। याद रखिएगा, बिकॉज़ आई केयर फॉर यू।